के साथ विधानसभा में जाएगी सर? 19 तारीख को हमारी सीएलपी की मीटिंग है, उसमें सारे मुद्दे डिस्कस होंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं आपके। इस प्रकार ये सरकार विफल रही है और जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक का घोटाला, 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके और नौकरियां बेची जा रही हैं, जैसे परचून की दुकान पे परचून बेचा जाता है, और जो पेपर लीक हुए, अब कुछ आदमी पकड़े हैं जिन्हें पेपर लीक किया, जो पेपर लेने वाले वो लुट गए, सड़कों पे घूम रहे हैं इतने पैसे दे के, लेकिन किसने किया, क्यों हुआ, किसकी जिम्मेवारी थी सीक्रेसी की, और उसके ऊपर आज तक कोई नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी इस किस्म की नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी प्रकार से चाहे वो रजिस्ट्री का घोटाला हो, कोई उसका जांच जो है उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई, कोई जांच कर देते हैं, जांच की रिपोर्ट बाहर नहीं आती, एक के बाद एक घोटाला, चाहे धान की खरीद का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो, पेपर लीक का घोटाला हो, सरकार पूर्ण रूप से विफल है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सर, पेपर लीक के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सत्ता पक्ष को घेरेंगे? बताया ना, एक के बाद कितने घोटाले हैं, बहुत है, एक के बाद एक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, जो धज्जियां उड़ी हुई है कानून व्यवस्था की आपके सामने है। बेरोजगारी आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी और अपराध में पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो जिस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है यहाँ सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है। किसानों का मुद्दा दोबारा उठाएंगे सदन में? किसानों का है, किसानों को तो बार बार हम कह रहे हैं, तो इतने दिन हो गए किसानों की बात सुन के, इसे बात करके समाधान निकालना चाहिए, वार्ता से ही समाधान निकल सकता है, वार्ता से, क्योंकि उनकी मांग जो है वो जायज है, MSP की मांग है, जायज है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।